मनसा सेतु के अंतर्गत पाठ 18, पाठ का नाम है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट की जीवनी। बच्चों, आर्यभट्ट के विषय में आप लोग तो जानते ही होंगे, यह हमारे देश के जाने माने गणितज्ञ और ज्योतिष रहे हैं। इस पाठ में उनकी जीवनी बताई गई है और इस पाठ में गणित, ज्योतिष आदि विषयों के बारे में भी आश्चर्यजनक जानकारियाँ इस प्रस्तुत की गई है। इसमें प्राचीन भारत के ज्ञान विज्ञान तथा अध्ययन अध्यापन की भव्य परंपरा के भी दर्शन होते हैं। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। अब धरती का मानव चांद पर पहुंच गया है। मनुष्य चांद पर पहुंचने के बाद अब दूसरे ग्रहों पर भी पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आप लोग जानते हैं कि आदमी ने इतनी उन्नति कैसे की। जाहिर है कि यह 10 या 100 साल में नहीं हुआ, हजारों सालों से आदमी आकाश के ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करता आया है। पुराने जमाने के जिन विद्वानों ने आकाश का गहरा अध्ययन किया है, उनमें आर्यभट्ट का नाम सबसे ऊंचा माना जाता है। पुराने जमाने में ज्योतिष और गणित की पढ़ाई साथ साथ होती थी, इसलिए हमारे देश की पुरानी पुस्तकों में ज्योतिष और गणित की बातें साथ साथ बताई जा गई हैं। आर्यभट्ट जी जितने बड़े ज्योतिषी थे, उतने ही बड़े गणितज्ञ भी थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है आर्यभट्टीय। पुस्तक का नाम क्या है? आर्यभट्टीय। इस नाम के पुस्तक में लिखी है, इस पुस्तक में गणित के साथ साथ ज्योतिष की भी चर्चा है। यह पुस्तक है तो छोटी, लेकिन इसमें आर्यभट्ट ने गणित और ज्योतिष की वे सारी बातें लिख दी है जो उनके समय तक खोजी गई है। और उन्होंने यह पुस्तक किस भाषा में लिखी है? संस्कृत भाषा में लिखी है। पुराने जमाने में हमारे देश में ज्योतिष और गणित के ग्रंथ पद्य में लिखे जाते थे, पद्य में, कविता में लिखे जाते थे, क्योंकि पद्य को आसानी से कंठस्थ किया जा सकता है। कंठस्थ माने पढ़ा रटा जा सकता है, याद किया जा सकता है। तो आजकल जिस प्रकार विद्यार्थी फार्मूलों यानी सूत्रों को याद करते हैं, उसी प्रकार पुराने जमाने में विद्यार्थी कविता को कंठस्थ कर लेते थे, रट लेते थे। आर्यभट्ट की लिखी हुई आर्यभट्टीय पुस्तक भी कविता में ही है। तो ये प्रश्न बनता है कि आर्यभट्ट ने कौन सा पुस्तक लिखा? तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय पुस्तक लिखा। यह किस भाषा में, यह इसका रूप क्या है, कैसे लिखा गया है? तो ये कविता में है, कविता के रूप में लिखा गया है। आगे देखते हैं कि पुराने जमाने में हमारे देश में जीवनियां लिखने का रिवाज था। जीवनी, उनके जीवन का पूरा चरित्र। पंडित लोग अपनी पुस्तकों में अपने बारे में बहुत कम जानकारी देते थे। यही कारण है कि हम अपने प्राचीन वैज्ञानिकों और विद्वानों के जीवन के बारे में बहुत कम जानते हैं। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक में एक श्लोक में यह बताया है कि उन्होंने कुसुमपुर शहर में इस पुस्तक की रचना की थी। कुसुमपुर शहर, आज के पटना शहर को पुराने जमाने में पाटलिपुत्र कहते थे, उसी पाटलिपुत्र का एक नाम कुसुमपुर भी था। पटना का नाम पाटलिपुत्र भी था और कुसुमपुर भी था। तो ये जो आर्यभट्ट हैं, तो इन्होंने अपने विषय में बहुत कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ये कुसुमपुर के जो जगह पटना में है, इससे इनके बारे में ज्ञात होता है, इनके जीवन चरित्र के बारे में पता चलता है। अतः आर्यभट्ट पुराने शहर पटना के निवासी थे। कुछ विद्वानों के अनुसार आर्यभट्ट अश्मक जनपद के निवासी भी माने जाते हैं। यह अश्मक जनपद गोदावरी और नर्मदा नदियों के बीच का प्रदेश था। आर्यभट्ट अपनी पुस्तक के एक श्लोक में बताते हैं कि यह पुस्तक उन्होंने 23 साल की अवस्था में लिखी। उस समय ईस्वी का 499 साल चल रहा था। 499 से 23 घटा देने पर हमें आर्यभट्ट का जन्म वर्ष ज्ञात हो जाता है, अर्थात आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी सन चलता था और
उसके अनुसार इनका जन्म 476 ईस्वी में है। तब से आज तक लगभग 1500 साल का लंबा समय गुजर गया है। आर्यभट्ट के समय कौन थे? चंद्रगुप्त थे और समुद्रगुप्त थे। इसके बाद ये काल समाप्त हो जाता है। उस समय उत्तर पश्चिम भारत पर हूणों के हमले हो रहे थे। हूणों का आक्रमण हुआ था भारत में। आर्यभट्ट के जीवन के बारे में बस इतनी ही जानकारी मिलती है। आर्यभट्ट की आर्यभट्टी पुस्तक पर गागर में सागर भर देने वाली कहावत लागू होती है। मतलब छोटी सी पुस्तक में बहुत सारा कुछ जान लेने वाली चीज है। गागर में सागर का मतलब एक गागर, गगरी में सागर की तरह समा जाना, सागर इतना पानी समा जाना। तो इस प्रकार इनकी जो पुस्तक है आर्यभट्टी पुस्तक, छोटी तो है परंतु उसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है। इस पुस्तक में कुल मिलाकर 121 श्लोक है। पुस्तक चार भागों में बांटी गई है। ये चार भाग हैं गीति का पाद, गणित पाद, काल क्रिया पाद और गोल पाद। गीति का पाद में कुल 13 श्लोक हैं। पहले श्लोक में मंगलाचरण है। ये श्लोक गीति का छंद में है, इसलिए इस भाग को गीति का पाद कहते हैं। इस श्लोक में ज्योतिष शास्त्र की कुछ बुनियादी बातों की जानकारी भी दी गई है। इस पाद का दूसरा श्लोक बड़े महत्व का है। इसमें आर्यभट्ट ने गणना की एक नई पद्धति की जानकारी दी है। गणना, गणना यानी कि गिनना। पाठ में लिखी जाने वाली पुस्तकों में गणित के अंकों को लिखना संभव नहीं है। यदि संख्याओं को शब्दों में लिखा जाए तो पद बड़े हो जाते। ज्योतिष शास्त्र में बड़ी बड़ी संख्याएं लिखनी पड़ती है, इसलिए संख्याओं को संक्षिप्त में लिखने के लिए आर्यभट्ट ने एक नई पद्धति का आविष्कार किया। उन्होंने वर्णमाला के सारे अक्षरों के लिए संख्या मान निश्चित कर दी है। अब किसी भी संख्या को अक्षरों में लिखा जा सकता है। अंकों या संख्याओं को इस प्रकार अक्षरों में लिखने की पद्धति को अक्षरांक पद्धति कहते हैं। आर्यभट्ट ने पहले ही शून्य की खोज आर्यभट्ट के पहले शून्य की खोज तो हो चुकी थी। इस शून्य और 1 से 9 तक के अंकों की सहायता से सारी संख्याओं को लिखने की पद्धति का भी आविष्कार हो चुका था। पर आर्यभट्ट को अपनी पुस्तक पद्य में लिखनी थी, इसलिए उन्होंने एक नई अक्षरांक पद्धति का आविष्कार किया। इस पद्धति में बड़ी बड़ी संख्याएं छोटे छोटे शब्दों में लिखी जा सकती थी। जैसे क्षुद्र 43 20। आर्यभट्ट के बाद हमारे देश के दूसरे गणितज्ञों ने भी अक्षरांक पद्धति का इस्तेमाल किया। आर्यभट्टी पुस्तक के गणित पाद में कुल 30 श्लोक हैं। इतने ही श्लोकों में आर्यभट्ट ने अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित से संबंधित प्रमुख बातों को संक्षेप में लिख दिया है। आर्यभट्ट ने गणित के बारे में जो बातें बताई है वे हाई स्कूल की कक्षाओं तक पढ़ाई जाती है। उनकी पुस्तक में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आज की कॉलेजों में पढ़ाई जाती हैं। सभी जानते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं, यह और यह कैसे होता है। विद्यार्थी जानते हैं कि वृत्त में त्रिज्या और परिधि के बीच एक खास संबंध होता है। किसी भी वृत्त की परिधि इसकी त्रिज्या का व्यास से कितने गुने बड़ी होती है। विद्यार्थी जानते होंगे कि वृत्त के व्यास की लंबाई को 22/7 या 3:1416 के गुणा करें तो उस वृत्त की परिधि या लंबाई ज्ञात हो जाती है। आज यह बात बड़ी आसान जान पड़ती है, परंतु पुराने जमाने में वृत्त के व्यास तथा परिधि के सही सही संबंध को बहुत थोड़े से गणितज्ञ ही जान पाए थे। सब लोग नहीं जान पाते थे। कारण यह है कि इन दोनों के बीच के संबंध को एक निश्चित पूर्णांक या अपूर्णांक में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस संबंध को एक लगभग सही संख्या में ही व्यक्त किया जा सकता है। आजकल हम वृत्त के व्यास और परिधि के अनुपात को यूनानी अक्षर पाई से लिखते हैं, अर्थात पाई बराबर 22/7 या 3:1416। लेकिन यह एक काम चलाऊ मान ही हुआ है। हमें यह जानकर अचरज होगा, आश्चर्य होगा कि लगभग 1500 वर्ष पहले आर्यभट्ट ने इस अनुपात की खोज की थी। आर्यभट्ट से के पहले भारतीय गणितज्ञों को इस अनुपात का इतना सूक्ष्म ज्ञान नहीं था। इससे पता चलता है कि आर्यभट्ट एक उच्च कोटि के गणितज्ञ थे।
आज स्कूलों में भी रेखागणित पढ़ाया जाता है। वह यूनान के महान गणितज्ञ यूक्लिड की ज्यामिति पर आधारित है, लेकिन हमारे देश में भी ज्यामिति का अध्ययन पुराने जमाने से होता आ रहा है। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक में रेखागणित से संबंधित कई बातें बतलाई है, पर जिस बात के लिए आर्यभट्ट विशेष रूप से प्रसिद्ध है वह है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोण की तीन भुजाओं और तीन कोणों के संबंधों के बारे में जो गणित रचा जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में त्रिकोणमिति की आवश्यकता होती है। आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति की एक कई पद्धति का आविष्कार किया है। इस नई पद्धति को ज्या या भुजिया भी की पद्धति भी कहते हैं। आजकल स्कूल कॉलेजों में जो त्रिकोणमिति पढ़ाई जाती है वह आर्यभट्ट की इसी पद्धति पर आधारित है। यूनान के गणितज्ञों को इस पद्धति का ज्ञात नहीं था। यह भारतीय आविष्कार पहले अरब देशों में पहुंचा और उसके बाद यूरोप में इसका प्रचार हुआ। आर्यभट्ट की इस पद्धति का प्रचार विदेशों में कैसे हुआ, यह एक शब्द पर विचार करने से मालूम हो जाएगा कि इस शब्द की एक मजेदार कहानी है। समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात के लिए अंग्रेजी का एक शब्द है साइन। लगभग 1500 वर्ष पहले हमारे देश में इसी के लिए एक शब्द था, ज्या या जीवा। यकीन करना कठिन है पर अंग्रेज का यह साइन शब्द जीवा शब्द से ही बना है। 8वीं-9वीं शताब्दी में अरबी विद्वान गणित और ज्योतिष के भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद कर रहे थे। उनके सामने संस्कृत का यह जीवा शब्द आया तो वे चक्कर में पड़ गए क्या कि इस शब्द का अरबी में अनुवाद न करके उन्होंने इसे ज्यों का त्यों अपना लिया। अरबी लिपि में स्वरों के लिए अक्षर नहीं होते, इसलिए इस जीवा शब्द को उन्होंने जव के रूप में लिखा है। 11वीं शताब्दी में अरबी ग्रंथों का यूरोप की लैटिन भाषा में अनुवाद होने लगा। यूरोप के पंडितों के सामने जब यह ज व शब्द आया तो वे बचौके रह गए। वे नहीं जानते थे कि यह शब्द मूलतः भारत की संस्कृत भाषा का है। उन्होंने गलती से इसे अरबी भाषा का ज्यो शब्द मान लिया, जिसका अर्थ होता है खिसा या छाती। इसीलिए अनुवाद करते समय उन्होंने इसके लिए लैटिन शब्द का चुना, सीनुस, जिसका अर्थ होता है छाती। कहाँ संस्कृत का जीवा शब्द और कहाँ छाती के अर्थ वाला लैटिन का यह सीनुस शब्द। इसी सीनुस शब्द से आज की अंग्रेजी का साइन शब्द बना है। पर अंग्रेजी के माध्यम से त्रिकोणमिति पढ़ने वाला आज के कितने विद्यार्थी जानते हैं कि यह साइन शब्द और त्रिकोणमिति की आधुनिक विधि मूलतः भारतीय आविष्कार है। भारतीय ज्योतिष और गणित के कई आविष्कार पहले अरब देशों में पहुंचे और तदनंतर यूरोप देश में इसका भी प्रचार हुआ। और अब आर्यभट्ट के समय में ही दूरबीन जैसे कोई चीज नहीं थी, मतलब कि आर्यभट्ट के समय में दूरबीन का खोज नहीं हुआ था। दूरबीन जैसा कोई चीज नहीं था। आंखों से जो और जितना कुछ आकाश में दिखाई देता था उसी का अध्ययन होता था। आर्यभट्ट ने अब यहाँ जो इस त्रिकोणमिति का आविष्कार किए, अब उनके विषय में दूसरी बात यह है कि इन्होंने आकाश में जो कुछ भी दिखाई दिया उसे देखा, उनका अध्ययन किए। और इन्होंने हमारे ज्योतिष ने आकाश के ग्रह नक्षत्रों की गतिविधियों के बारे में अनेक बातें जान ली थी। आर्यभट्ट की पुस्तक के काल क्रियापद और गोलपाद भागों के गणना काल या ज्योतिष के बारे में जानकारी दी। आर्यभट्ट सही मायने में एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में केवल सार्थक बातें लिखी है। उस समय कुछ लोग मानते थे कि ग्रहण के समय राहु केतु नाम के कोई राक्षस सूर्य को और चंद्र को खा जाते हैं, पर आर्यभट्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया कि और कहा कि ये सब बात झूठी हैं। उन्होंने लिखा कि पृथ्वी की छाया जब चंद्र पर पड़ती है तो चंद्रग्रहण होता है, और चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्यग्रहण होता है। इससे पता चलता है कि आर्यभट्ट अंधविश्वास में यकीन नहीं करते थे। हमारे देश में आकाश में ग्रह नक्षत्रों के आधार पर मनुष्य का भाग्य बतलाने वाला धंधा पहले भी चलता था और आज भी चलता है, पर आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक में ऐसी अंधविश्वास भरी बातों का कोई जिक्र नहीं किया है। हमारे देश में आर्यभट्ट के समय में और बाद में भी
सदियों तक यह मान्यता प्रचलित थी कि पृथ्वी स्थिर है और समूचा खगोल इनकी परिक्रमा करता है, मगर आर्यभट्ट ने स्पष्ट किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर परिक्रमा करती है, मतलब कि पृथ्वी परिक्रमा करती है पर अपनी ही धुरी पर, इसलिए खगोल इसे घूमता हुआ दिखाई देता है। और आर्यभट्ट की यह मान्यता सही थी, फिर भी उनके बाद के ज्योतिष अनेक ज्योतिषों ने इसे स्वीकार नहीं किया। हाँ, आर्यभट्ट ने यह नहीं कहा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। आर्यभट्ट ने विज्ञान के अध्ययन की एक स्वस्थ परंपरा को जन्म दिया है। उनके समय से हमारे देश में विज्ञान के एक नए युग का आरंभ हुआ था। 19 अप्रैल सन 1975 में प्रक्षेपित पहले भारतीय प्रायोगिक अंतरिक्षयान का नाम आर्यभट्ट इन्हीं के नाम पर सम्मान के लिए रखा गया था। तो बच्चों, आप लोग को आर्यभट्ट जो ज्योतिष और गणितज्ञ दोनों थे, उनके विषय में जानकारी प्राप्त हो गई होगी, और ग्रहण कैसे होता है लगता है इसके विषय में भी आप लोग को जानकारी मिली होगी। अच्छा, ये पाठ समझ में आया है।